Hey, Rajkumar, तू इन्हें आजाद नहीं कर पाएगा मगर मेरी जंजीरें तोड़ सकता है तोड़ दे मेरी जंजीरें तोड़ दे जल्दी नहीं दोस्त ये तो वैसे ही मरने वाला है इसे सजाए मौत हुई है इसे छोड़ अपनी जान बचा भाग लिया से मेरे बगैर तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते इसकी बात मत सुन ये भी इसी मुल्क का है इस पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता चल भाग लेते यहाँ से सिर्फ मुझे मालूम है यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तोड़ दो जंजीरें तोड़ दो राजकुमार तोड़ दो निभाने का वक्त आए तो साथ छोड़कर जा रहा हूं नहीं हिम्मत नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा हिम्मत तुम्हें कुछ नहीं होगा साथ आए थे साथ जाएंगे हिम्मत तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी वफा तुम्हारे साथ जाएगी मेरी मां से कहना कि मैंने उसका दूध जाया नहीं किया नहीं हिम्मत हिम्मत वो अपने आंसू जाया ना करे इस तरह शक की निगाहों से मत देख मुझे आज के बाद यह जान राजकुमार की अमानत है मरते दम तक तेरे फर्ज की हिफाजत करूंगा मैं यह मेरा वादा है हिम्मत 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 चांडाले शांत चांडाली शांत मैं हूं तेरा दुर्जन पिच्छू का छाया हमने अपनी दिलेरी और होशियारी से अपने हर दुश्मन को शिकस्त दी हमारा हर मंसूबा कामयाब हुआ हर इरादा पूरा हुआ फिर भी हम खुश नहीं हैं। बोल, तेरी खुशी में कौन सी कमी रह गई है बोल बोल राजकुमारी विशाखा देवी मुझे क्या मिलेगा क्या चाहिए तुझे विशाखा की पहली औलाद थंबोर के तख्त के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ इस शीशी के शरण आ जाओ वशीकरण आ जाओ वशीकरण ये ले वशीकरण वशीकरण इसमें वो शक्ति है जो नफरत को मोहब्बत में बदल देती है इसे राजकुमारी के हवा में मिलवा देना जब वो नाह के बाहर निकलेगी और जिस मर्द पे उसकी नजर पड़ेगी वो उसी की हो जाएगी लेकिन होशियार खबरदार संगीत बजता रहे लगातार गर्गूंजी तलवार की चमकार तो वशीकरण हो जाएगा बेकार अली घोड़ों के टापों के निशान ये रास्ता हमें जरूर आबादी की तरफ ले जाएगा आप रास्ता देखिए राजकुमार मैं खुदा को याद करता हूं वो हमें जरूर रास्ते से मिला देगा
अब की बार सही लगा मेरा निशाना है, अब मैं इसकी आंख पे मारूंगा, आँख पे मारूंगा। इसने किसी गुलेल से सिपाही की आंख फोड़ी थी ना। तुम लोग भाई साहब से जाके मेरी तारीफ करना है, तारीफ करना, कहना कि सेनापति सुजन सिंह जी पक्के निशानेबाज हो गए। अरे नामाकुल हिलता क्यों रहता है तू? तो फिर मेरा निशाना गलत हो जाता है ना बेवकूफ। लाओ हाथ क्यों मिला रहा है पत्थर पे? अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। अगर किसी ने इस मासूम पर हाथ उठाने की जरूरत की तो जालिम के हाथ काट दूंगा। एक बागी की हिफाजत करने की सजा जानते हो? हमारे राज में जुल्म करने की सजा जानते हो? तुम्हारा राज? तुम्हारा राज कौन हो तुम? हैं? अरावली का राजकुमार। राजकुमार? अरावली का राजकुमार? अरावली का राजकुमार? ठीक है, मैं अभी जाके भैया को खबर देता हूँ। चल सजनी, चल भैया के, अरे चल भैया के पास। क्यों उठा रही है? इसे सुबह राजकुमारी के हमाम में मिला देना। क्यों हुकुम महामंत्री जी? ध्यान रहे, संगीत लगातार बजता रहना चाहिए। जी। ये लो। एक रात की बात है भैया, वहां के कहूं? जो कहना है जल्दी कहो, और भैया नहीं महामंत्री कहो। महामंत्री जी, दीवारों के भी कान और दरवाजों की भी जबान होती है। हुआ क्या? अरावली का राजकुमार वापस आ गया है। पर वो तो सुल्तान गौरी की कैद में था। लगता है उसका खून भी उसके बाप के कातिल के हाथों लिखा है। कुमार कैमा, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। मेरा दोस्त अली। बेटा हिम्मत कहाँ है? ये तावीज याद है माँ? हाँ याद है, तुमने हिम्मत से एक बार इसे लेने की जिद की थी तो कितना झगड़ा किया था उसने। कहता था राजकुमार मांगे तो जान दे सकता हूँ, लेकिन ये तावीज नहीं दे सकता। आज दे दिया था माँ। तुम्हारी हिफाजत करते हुए शहीद हुआ ना राजकुमार? हाँ दाइमा। तुम्हारी हिम्मत की मौत हम पर कर्ज है पन्ना। किसी दिन इसके बदले अगर तुमने हमसे राजकुमार की जिंदगी भी मांगी तो हम दे देंगे। होना तो ये चाहिए था 12 साल बाद अपने राजकुमार के लौटने की खुशी में अरावली में दीपावली मनाई जाती, मगर थंबौर की राजकुमारी ने महाराज को मृत्यु दंड देकर
अरावली के सारे चिराग बुझा दिए। महाराज की समाधि का ये चिराग तभी जलेगा राजकुमार,